आप शाम को कभी आइए ना, आप तो आते नहीं है। मैं आऊंगा किसी दिन। ओके ओके बाय। एक्सक्यूज मी प्लीज। यस वन मिनट। ये कर्नल कपूर को कब से जानते हैं आप? कर्नल कपूर? जी हाँ, जो अभी अभी आपसे बात कर रहे थे। अब वो जा रहे। ये ऋतिक राज थे सर। ऋतिक राज? Are you sure? I'm sure, sir. He's very good friend of mine. अच्छा, तो आपके दोस्त से मुलाकात करनी पड़ेगी, क्योंकि इनकी शक्ल हमारे दोस्त से मिलती है, कर्नल कपूर से। देखो तो आप कभी भी मिल सकते हैं सर। He's very nice fellow. I see. वैसे ये करते क्या हैं? सर ये शिमला क्लब में स्केटिंग सिखाते हैं। स्केटिंग? जी। यानी कि लोगों को स्केटिंग सिखा रहे? यस सर। आई सी। लगता है नए नए आए? जी नहीं, नए नहीं, जहां तक मैं ही नहीं जानता हूँ 4-5 साल से ही यहीं पे है। 4-5 साल से यहीं पे? Well, thank you very much. Sorry for having wasted your time. It's okay, sir. Thank you. चार पांच साल से ऋतिक राज यहीं पे है। जिस आदमी से बचाकर मैं अपनी बेटी को यहां लाया था वो यहीं पे मौजूद है। कहीं प्रीति को अपने बेटे की असलियत ना पता चल जाए। ऋतिक राज अगर यहां है तो उसका बेटा भी यहीं होगा। राजू तुम यहाँ हो? तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढता फिर रहा था? क्यों, क्या हुआ? तुम्हें पता नहीं आज क्या है? मदर्स डे। तुम्हारा मदर्स डे का कार्ड कहाँ है? मैंने कोई कार्ड नहीं बनाया अमित। क्यों, तुमने अपनी माँ के लिए कोई कार्ड नहीं बनाया? राजू अमित कहाँ है मेरी माँ? किसे दूंगा? मदर मैरी को। हाँ राजू, मैं भी अपना कार्ड उनके चरणों में चढ़ा कर आ रहा हूँ। वो हमारी बातें हमारी माँ तक पहुँचा देगी। क्या मदर मेरी हमारी माँ को जानती है? वो तो सबकी माँ है राजू, वो तो सबके दुख दूर करती है। चलो तुम भी अपनी माँ के लिए कार्ड बना दो। नहीं, मैं अपनी माँ को एक लेटर लिखूंगा और वो मदर मेरी के चरणों में चढ़ा कर आऊंगा। मदर मेरी, आप सबकी माँ हो और मैंने सुना है कि आप सबसे प्यार करती हो। आज मैं आपके पास एक फरियाद लेकर आया हूँ। ये लेटर मेरी माँ तक पहुँचा देना। ये लेटर मैं आपके चरणों में रख रहा हूँ। प्लीज़ ये लेटर मेरी माँ को दे देना। टीचर, राजू ये मदर मेरी के चरणों में क्या चढ़ा रहे हो? आज मदर्स डे है ना, मैंने अपनी माँ को लेटर लिखा है। माँ को लेटर लिखा है? मैं पढ़ सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं। प्यारी माँ, आज मदर्स डे है यानी माँ का दिन। आज सारे बच्चों ने अपनी अपनी मम्मी को लेटर लिखे हैं, ग्रीटिंग्स भेजे हैं, लेकिन मैं किसे लिखूं? कहाँ से लाओ तुम्हें? पापा कहते हैं कि तुम कहीं दूर चली गई हो, लेकिन मेरा दिल कहता है कि तुम यहीं कहीं हो।
हर चीज में तलाश करता हूँ, कभी चंदा मामा में, तो कभी फूलों में, तो कभी तितलियों में। कितनी सूरतें बनाई हैं मैंने तुम्हारी, कभी लगता है कि तुम परियों जैसी होगी, तो कभी लगता है कि तुम भगवान जैसी होगी। माँ तुम होती तो तुम मुझे अपनी गोद में झूला झुलाती, अपने हाथों से तुम मुझे खाना खिलाती, मैं गिर जाता तो मुझे सहारा देती, मैं टूट जाता तो मुझे मना लेती। माँ मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम्हें मेरा लेटर मिले तो मुझे मिलने जरूर आना, जरूर आना माँ। तुम्हारा राजू। राजू ये लेटर मैं रख सकती हूँ? तुम समझ रहे कि तुम्हारी माँ तक पहुँच गया है, मैं भी तो तुम्हारी माँ की तरह हूँ। टीचर एक बात पूछूं, इस स्कूल में और भी बच्चे हैं, लेकिन आप मुझसे इतना क्यों प्यार करती हैं? मैं अपाहिज हूँ इसलिए? नहीं बेटा, ऐसा कभी मत कहना। दरअसल मेरा भी एक बेटा था, लेकिन वो पैदा होते ही भगवान के पास चला गया। अगर आज वो जिंदा होता तो वो भी तुम्हारे बराबर का होता। तुम्हें देखती हूँ तो उसकी झलक नजर आती है तुम्हें, बस सिर्फ इसलिए। लेकिन अब तुम्हें देखिए ऐसा लगता है कि मुझे मेरा बेटा मिल गया है। टीचर आपको तो अपना बेटा मिल गया, लेकिन मुझे अपनी माँ नहीं मिली। कहाँ ढूंढू मैं उन्हें? बेटा जब माँ चली जाती है ना तो वो आसमान का सितारा बन जाती है। माँ को देखना चाहते हो तो आसमान में चमकते हुए सितारों को देखना, वो तुम्हें कहीं ना कहीं चमकती हुई जरूर नजर आएगी। सच टीचर, मेरी माँ मुझे एक चमकते हुए सितारे में नजर आएगी। मैं जरूर देखूंगा वो कौन से सितारे में है। आसमान में कोई सितारा ही नहीं नजर आ रहा। माँ तुम तो मुझे किस बात की सजा दे रही हो? क्यों इतनी नाराज हो तुम मुझसे? टीचर ने कहा था कि तुम मुझे एक चमकते हुए सितारे में नजर आओगी, लेकिन अब कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें? कितना बदनसीब हूं मैं माँ, मुझे ऐसी क्या भूल हो गई है माँ कि तुम मुझे अपनी सूरत भी नहीं दिखा रही हो? माँ आ रही है, उन्होंने मेरी आवाज सुन ली। माँ आ रही है। कैसा सितारा है? नहीं, ये सितारा नहीं हो सकता। शायद ये दूसरे ग्रह से उतरी कोई उड़न दस्त्री होगी।
Oh my God. ये कैसे इंसान है? नहीं नहीं, ये इंसान नहीं हो सकते। उनकी शक्लें बिल्कुल जानवर जैसी है। मुझे और नहीं रहना चाहिए। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो मुझे जान से मार देंगे। मुझे यहां से जाना चाहिए। आज का हमारा टॉपिक है एलियंस। एलियंस यानी यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। ये यूएफओ क्या है, एलियंस कौन है, इनके स्पेसशिप कैसे होते हैं, ये कहाँ रहते हैं, कौन से प्लैनेट से हैं, ये आज तक किसी को नहीं पता चला। लेकिन इनके जमीन पर आने के कई सबूत मिलते रहे हैं। यहाँ क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, ये भी आज तक किसी को नहीं पता चला। इनफैक्ट अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों जगह पर इनके स्पेसशिप देखे गए हैं, लेकिन एलियंस कैसे होते हैं ये आज तक किसी ने नहीं देखा। मैंने देखा है टीचर, मैंने देखा है। एलियंस कैसे होते हैं मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। राजू, मैं फिल्म या टीवी की बात नहीं कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग प्रैक्टिकली। मैं भी प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ टीचर। मैंने एलियंस को अपनी आंखों से देखा है। राजू, शायद तुमने कोई सपना देखा होगा, और मैं सपनों की बात नहीं कर रही हूँ। ओके, अभी बैठ जाओ। हाँ, तो मैं बता रही थी कि बहुत से ऐसे प्लैनेट्स हैं जहाँ कहा गया है कि जीवन है, लेकिन वो कौन से प्लैनेट्स हैं ये अभी हमारे साइंटिस्ट पता लगा रहे हैं। टीचर, वो कौन से लैंग्वेज में बात करते हैं? क्या हमारी तरह ही बात करते हैं? नहीं टीचर, वो कुछ अलग ही बात करते हैं, और वो दिखते भी अलग ही है। हाँ हाँ, इसी की तरह दिखते हैं। टीचर, वो दिखने में कैसे लगते होंगे? उन्हें देखकर बिल्कुल डर लगता होगा ना? हाँ टीचर, मैं उन्हें देखकर डर गया था। उनकी आँख, नाक, कान, उंगलियाँ बिल्कुल अलग ही है। राजू, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अमित, अमित को मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करता? मैंने एलियंस को देखा है। राजू, अभी आर्ग्यू मत करो, हम रिसर्च में बात करेंगे। राजू, पापा, राजू, पापा, आप
आप तो संडे को आने वाले थे। और सोचा कि मैं चलकर अपने बेटे को सरप्राइज दे देता हूँ। कैसे हो बेटे? और यहाँ अकेले क्यों बैठे हुए? अपसेट तो नहीं हो ना? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी इनके साथ खेल रहा था, खेलते खेलते थक गया इसलिए बैठ गया। राजू, अरे राजू तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें कहाँ का ढूंढ रहा था। मेरे पापा। हेलो अंकल। कैसे हो बेटा? अच्छा हूँ अंकल। पापा ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, हम दोनों हमेशा आपके बारे में बातें करते रहते हैं। अच्छा, बेटा आपके मम्मी पापा यहीं शिमला में रहते हैं? पापा, अमित का इस दुनिया में कोई नहीं है, वो बिल्कुल अकेला है। सॉरी बेटा, बेटा I'm sorry। कोई बात नहीं अंकल। पापा, अमित बहुत हिम्मत वाला है, मेरी मम्मी नहीं है तो उनके लिए मैं कितना दुखी होता हूँ, लेकिन इसकी ना मम्मी है ना पापा तो भी वो हमेशा खुश रहता है। देखिए आज के बाद ये मत सोचना कि तुम इस दुनिया में अकेले हो, मैं हूं। जैसे राजू मेरा बेटा है, आज के बाद तुम भी मेरे बेटे हो। ऑलराइट, थैंक यू अंकल। पापा, सबके मम्मी डैडी मिलने आते हैं, आप भी मुझसे मिलने आते हैं, लेकिन इसे कोई मिलने नहीं आता। ये बेचारा किसी से नहीं कह सकता कि उसे क्या चाहिए। इधर आओ बेटा, आज के बाद तुम्हें जो कुछ भी चाहिए, किसी चीज की भी जरूरत है, मुझसे कहना, मैं लेकर आऊंगा। लेकिन हमेशा खुश रहना, कभी दुखी मत होना। हंसो। पापा, एक और बात याद आई, मुझे आपको मेरी नई टीचर से मिलवाना है। आपको पता है जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मुझे हॉस्पिटल कौन लेकर गया था? कौन लेकर गया था बेटे? मेरी नई टीचर, उन्होंने मुझे यहाँ देखते ही पहचान लिया और वो मुझे ट्रेन में भी मिली थी। आइए मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। टीचर,